जयपुर में लोकसभा सीट से पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल के समर्थकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे से मुलाकात करके टिकट देने का दबाव बनाया। खंडेलवाल के समर्थन में जयपुर शहर का सर्व समाज के नेताओं ने गहलोत और पांडे को बताया कि किस तरह से प्रत्यक्ष महापौर के चुनावों में ज्योति खंडेलवाल ने बीजेपी को हरा करके जीत हासिल की थी। प्रतिनिधि मंडल में बड़ी संख्या में वैश्य समाज के प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों ने भी अपनी बात रखी। इसमें राजस्थान खाद्य व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता, जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल, महेश्वरी समाज के प्रदीप वाहिती, अग्रवाल समाज के अरुण अग्रवाल, कामगार समाज के रज्जाक भाटी, जयपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष फॉर्टी के अध्यक्ष गोपाल गुप्ता, ओके प्लस ग्रुप के अजय मोदी सहित कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुलाकात करके ज्योति खंडेलवाल को टिकट देने की पैरवी की। सभी का यह कहना था कि जयपुर की सीट पर लंबे समय से वैश्य को टिकट, वैश्य समाज के किसी को भी टिकट नहीं दिया गया है। ब्राह्मण समाज को अब तक 6 बार, 2 बार राजपूत समाज को और 1 बार मुस्लिम समुदाय को टिकट दिया गया है, लेकिन एक बार को छोड़कर कि हर बार कांग्रेस को यहां से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वैश्य समाज को इस सीट से कभी टिकट नहीं दिया गया। पहली बार महापौर के चुनाव में टिकट दिया गया है और ज्योति खंडेलवाल ने जीत दर्ज करके कांग्रेस का खाता खोला। यदि कांग्रेस पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में ज्योति खंडेलवाल को टिकट देती है तो कांग्रेस की जीत तय है। इस पर गहलोत और पांडे ने कहा कि आपकी भावनाओं के अनुरूप ही काम होगा, आपका पक्ष बैठक में रखा जाएगा। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन।